समाजवादी पार्टी भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से किनारा करते दिख रही है, लेकिन यह विवाद उनका पीछा छोड़ते हुए नहीं दिख रहा है। अब तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य इस मामले को लेकर 24 फरवरी को सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिलने की बात कर रहे हैं और रामचरितमानस भेंट करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि परमहंस आचार्य भी होटल ताज में हुए एक कार्यक्रम में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के साथ शामिल होने गए थे और उनके सामने स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास में विवाद और हाथापाई हुई थी। इसीलिए परमहंस आचार्य कहते हैं वह 24 फरवरी को अखिलेश यादव से मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मैं 24 फरवरी को रामचरितमानस भेंट करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वह इसको पहले पढ़े और उनसे यह भी पूछूंगा कि समाजवादी पार्टी के पुरोधा कहे जाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गांव-गांव सुंदरकांड का पाठ कराते थे और उसी सुंदरकांड की चौपाई को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण की पंक्तियां जलवा रहे हैं। और जगत गुरु परामर्श आचार्य ने कहा कि यदि वह स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हैं, इसका मतलब है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का यह अपमान करते हैं। इसीलिए हमें विश्वास है कि हमारे पहुंचने के बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। बता दें कि रामचरितमानस की चौपाई को लेकर के विवाद शुरू हुआ था और विवाद इतना बड़ा कि बात हाथापाई तक आ गई और अभी भी रामचरितमानस का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि रामचरितमानस को लेकर के जगतगुरु परमहंस आचार्य अखिलेश यादव को रामचरितमानस भेंट करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से रामचरितमानस की प्रतियां जलवा रहे हैं और उनका समर्थन न करने पर अभी हाल ही में दो समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता दो महिलाओं को पार्टी से निकाल दिया गया। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मैं 24 फरवरी को रामचरितमानस भेंट करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वो इसको पहले पढ़ें और उनसे ये भी पूछूंगा कि समाजवादी पार्टी के पुरोधा कहे जाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गांव-गांव सुंदरकांड का पाठ कराते थे और उसी सुंदरकांड की चौपाई को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण की प्रतियां जलवा रहे हैं। तो यदि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हैं तो इसका मतलब है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ये अपमान करते हैं। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि हमारे पहुँचने के बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। जेवी हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर लाल चश्मा घर के सामने बुतेश्वर रोड मथुरा।